नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट व्यक्ति की पहचान। दोस्तों, पलक झपकते ही आप स्मार्ट व्यक्ति का चयन कर सकते हैं। उसकी चेहरे की चमक, उसका आत्मविश्वास, उसके कपड़ों को देखकर, उसकी ऊर्जा को देखकर, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर, उसके शब्दों को देखकर, उनकी बातों के मिठास को देखकर, पॉइंट टू पॉइंट बात करने के स्टाइल को देखकर समझ जाइए का व्यक्ति में कोई बात है। और स्मार्ट बनना कोई बुरी बात नहीं है। मैं चाहता हूं मेरे देश के हर व्यक्ति स्मार्ट व्यक्ति बने, उसमें इतना गुण हो, इतनी समझ हो, इतनी सक्षमता हो कि व्यक्ति स्मार्ट कहलाए। स्मार्ट सिर्फ कपड़े पहनने से नहीं हो जाता, बहुत सारे गुण आपके अंदर होने चाहिए। हर व्यक्ति के अनुसार स्मार्ट व्यक्ति की पहचान अलग अलग है। किसी को कुछ गुणों का चयन करना है, किसी को कुछ गुणों का चयन करना है, लेकिन मेरे हिसाब से सिर्फ तीन बातें स्मार्ट व्यक्ति में देखनी चाहिए। आप एक मिनट में पहचान सकते हैं कि कौन स्मार्ट व्यक्ति है। ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन मेरे अनुसार चलेंगे तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि उसके चेहरे पर आत्मविश्वास कैसा है। स्मार्ट व्यक्ति के चेहरे पर हमेशा आत्मविश्वास मिलेगा, उसकी आंखों में चमक मिलेगी और उसके बाल व्यवस्थित रहेंगे, वो झुमरू की तरह बाल उड़े नहीं होंगे उसके। नंबर दो, उस व्यक्ति की उपस्थिति ऊर्जावान होगी, उसकी बॉडी लैंग्वेज सशक्त होगी और उसके वस्त्र एकदम व्यवस्थित होंगे। ये स्मार्ट व्यक्ति का दूसरा गुण है। नंबर तीन, किसी भी बात को समझाने में, किसी भी बात को व्यक्त करने में उसके शब्दों का चयन सुनने लायक होगा। आपका मन लगेगा उसे सुनने के लिए, आपके अंदर उसके शब्द घुसते चले जाएंगे, आपको स्थिरता देंगे। वो पॉइंट टू पॉइंट बात करेगा और अपनी बात को इतने अच्छे ढंग से रख देगा कि आप देखते रह जाएंगे। स्मार्ट वही है जिसे सुनने को मन करे, स्मार्ट वही है जो पॉइंट टू पॉइंट बात करे, स्मार्ट वही है जो अपनी बात को अच्छे से समझाने में, अपनी बात को अच्छे से रखने में सक्षम हो। मैंने सिर्फ तीन पॉइंट्स बताए हैं, इन तीन पॉइंट्स का ध्यान रखकर किसी भी स्मार्ट व्यक्ति को आप पहचान सकते हैं। पलक झपकते ही आप स्मार्ट व्यक्ति का चयन कर सकते हैं। उसकी चेहरे की चमक, उसका आत्मविश्वास, उसके कपड़ों को देखकर, उसकी ऊर्जा को देखकर, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर, उसके शब्दों को देखकर, उनकी बातों के मिठास को देखकर, पॉइंट टू पॉइंट बात करने के स्टाइल को देखकर समझ जाइए का व्यक्ति में कोई बात है। और स्मार्ट बनना कोई बुरी बात नहीं है। मैं चाहता हूं मेरे देश के हर व्यक्ति स्मार्ट व्यक्ति बने, उसमें इतना गुण हो, इतनी समझ हो, इतनी सक्षमता हो कि व्यक्ति स्मार्ट कहलाए। स्मार्ट सिर्फ कपड़े पहनने से नहीं हो जाता, बहुत सारे गुण आपके अंदर होने चाहिए। आपको भी स्मार्ट बनना है, इन गुणों को अपने अंदर विकसित कीजिए और स्मार्ट व्यक्ति बनिए और अपने समाज में, अपने आसपास अपनी पहचान को सशक्त कीजिए। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।